गूगल पे हर मिनट में 38 लाख बार सर्च होता है। हर चीज के लिए गूगल तो करते हैं, पर हमें ये पता ही नहीं है कि ऐसे कई तरीके हैं जिससे हम गूगल से बहुत 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 ज्यादा फायदा ले सकते हैं। पूरी की पूरी बुक एक बार में डाउनलोड कर सकते हैं, अलग अलग पेजेस पे जाने की जगह जो चाहिए वो एक ही बार में पा सकते हैं, किसी का नंबर, किसी का ईमेल, जॉब वैकेंसी या कोई अपॉर्चुनिटी एक क्लिक में एक बार में सबसे ऊपर ला सकते हैं। So, इन 7 टिप्स के साथ आप स्मार्ट बनने वाले हो। शुरू करते हैं पहली टिप से। आपको पता है गूगल पे आप सिर्फ वेब पेजेस ही नहीं, किसी भी साइट पे पड़ा हुआ कोई वर्ड फाइल, कोई पीडीएफ, कोई पीपीटी, उसको भी एक्सेस कर सकते हो। वन ऑफ माय फेवरेट बुक, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। अगर इस बुक को मैं गूगल पे सर्च करता हूं तो आप देखो मेरे सामने रिजल्ट्स आएंगे विकिपीडिया के, अमेज़न के, यहां से खरीद लो, इसके रिलेटेड वीडियोस आ जाएंगी। पर अगर मैं अपनी सर्च के साथ ये वर्ड लिखता हूं, फाइल टाइप कॉलन पीडीएफ, इसका मतलब है कि गूगल भैया इस टाइटल के रिलेटेड सिर्फ पीडीएफ सर्च करना, और अगर कहीं भी मिले तो उसको निकाल कर लाना, वरना मत लाना। और ये कि हमने सर्च, और आप देखो पहले ही रिजल्ट पे पूरी की पूरी बुक आपके सामने। इससे आप सिर्फ पब्लिक डोमेन पर पड़ी हुई बुक्स ही नहीं बल्कि केस स्टडीज, नॉलेज डॉक्यूमेंट्स, रिसर्च पेपर्स, एक्सेल फाइल्स, पावर पॉइंट की बनी बनाई प्रेजेंटेशंस, कुछ भी सर्च कर सकते हो। अगर आपको बनी बनाई पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन चाहिए तो आप वो टॉपिक लिखो, फॉर एग्जाम्पल कोका कोला केस स्टडी फाइल टाइप, और क्योंकि मैं पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन चाहिए तो फाइल टाइप पीपीटी। ऐसे ही वर्ड फाइल चाहिए तो डीओसी, एक्सेल फाइल चाहिए तो एक्सएलएस। देखा इतनी जल्दी तो एसीपी प्रद्युमन भी ना ढूंढ पाए। अगली टिप पे चलते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं कि आप एक स्टूडेंट हो, आपने गूगल किया हाउ टू मैनेज टाइम। अब आप देखो कि बहुत मिक्स्ड से रिजल्ट आ रहे हैं। आप क्या कर सकते हो, एक प्लस का साइन यूज कर सकते हो। प्लस के साइन का मतलब है कि गूगल ये वर्ड तो जरूर होना चाहिए, बाकी तो अपने हिसाब से देख लियो। तो जैसे हमने लगाया हाउ टू मैनेज टाइम प्लस स्टूडेंट, तो पहले आर्टिकल से ही सिर्फ स्टूडेंट्स के रिलेटेड सारे एडवाइसेस, नॉलेज आपको मिलनी शुरू हो गई। सो जब भी आपको गूगल को कहना है कि भाई इस टॉपिक के रिलेटेड जो सर्च रिजल्ट्स दे उसमें ये एक वर्ड होना ही चाहिए, तो आपको उसके साथ प्लस लगाना है। इससे आपका बहुत टाइम बचता है, आप सीधा राइट इंफॉर्मेशन तक पहुंचते हो। अब इसकी एक ऑपोजिट टिप भी है। अब आप कुछ ढूंढ रहे हो लेकिन सर्च रिजल्ट्स में कुछ चीजें ऐसी आ रही हैं जो आपको नहीं चाहिए, तो आप माइनस लगा सकते हो। एक एग्जांपल लेते हैं कि आपने सर्च किया ओरिजिन ऑफ एप्पल। अब आप ढूंढना चाहते थे एप्पल कंपनी के बारे में, लेकिन यूएस पहुंचने की जगह आप हिमाचल पहुंच गए, तो ऐसे में आप माइनस लगा दो कि भाई फ्रूट के बारे में हमें मत बता, बाकी एप्पल के रिलेटेड तुझे जो मिले वो बता। अब आप देखो सर्च रिजल्ट्स में एप्पल फ्रूट के रिलेटेड कुछ नहीं आ रहा, आ गए स्टीव जॉब्स, इसे कहते हैं गुड जॉब। अब अगली चीज जो मैं आपको बता रहा हूं, ये आपका बहुत 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 टाइम बचाएगी। आपको पता है आप गूगल पे पूरी की पूरी एक लाइन सर्च कर सकते हो और गूगल को कह सकते हो कि इसी हिसाब से, इसी ऑर्डर में, इसी स्पेलिंग के साथ सर्च करना, इसके अलावा कुछ मत दिखाना। लाखों पेजेस की जगह कुछ पेजेस ही आपके सामने आएंगे और आपका कितना टाइम बच जाएगा, राइट इंफॉर्मेशन तक पहुंच जाओगे। इसके लिए आपको सर्च करने वक्त कोट्स का इस्तेमाल करना है, कोट्स यूज करने हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने कहीं कोट पढ़ा यू हैव टू ड्रीम बिफोर योर ड्रीम्स कम ट्रू, और आपको देखना है ये कोट किसने लिखा है, तो आप देखो उसी ऑर्डर में, जिस ऑर्डर में आपने लिखा वैसे ही जिस जिस वेबसाइट पे होगा वो आपके सामने आ जाए। सो अगर आपके सामने कोई लाइन्स आप देखना चाहते हो किस आर्टिकल में से है, किस बुक में से है, आप कोट्स के साथ उस लाइन को डाल दोगे, आपको उसका सोर्स मिल जाएगा। ऐसे ही मान लो कि आप किसी पोजीशन के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आप कोट्स के अंदर उस पोजीशन को लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यूट्यूब एनालिटिक्स मैनेजर, तो आपको उसके रिलेटेड ही आंसर्स मिलेंगे, जहां जहां उसके रिलेटेड जॉब्स होंगी, इंफॉर्मेशन होगी, आपको वही मिलेगा, बाकी सब साइड पे। तो ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट को मैंने डाला कोट्स में और ईमेल के साथ लिख दिया प्लस। अब देखो कैसे मेरी एक स्मार्ट सर्च से मैं अलग अलग कॉलेजेस के ट्रेनिंग प्लेसमेंट के ईमेल एड्रेसेस अपने सामने एक साथ ले आया। ये चीज आपकी हेल्प करेगी जब आप जॉब्स ढूंढ रहे हो या अपॉर्चुनिटीज ढूंढ रहे हो या किसी को कॉन्टेक्ट करना चाह रहे हो। ऐसे ही मेरी बुक बी ऑसम लिव ऑसम, अगर कोट्स डाल के आपने इसको सर्च किया, देखो भाई की बुक आपके सामने। खरीदनी हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ले लेना। अब जो नेक्स्ट टिप है ना वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है, वो अलग ही लेवल पे है। कई बार होता है ना कुछ कुछ याद आ रहा है, कुछ कुछ याद नहीं आ रहा, ये हमारे दिमाग के साथ काफी होता है, तो आप गूगल को भी वैसे ही बता सकते हो। एग्जांपल के साथ चलते हैं। यार एक गाना था मेरे ढीण कमर मेरे ढीणी कमर, अब मुझे नहीं पता कि बीच में क्या था, तो मैं क्या कर सकता हूं, स्टार लगा सकता हूं। ये एक वाइल्ड कार्ड है कि गूगल
स्टार की जगह तो कोई भी वर्ड फिट कर लियो, लेकिन ये दो वर्ड्स मुझे श्योर है, बीच का वर्ड मुझे पता नहीं। तो मैंने कोट्स के अंदर अपनी लाइन लिखी, जो वर्ड नहीं याद आ रहा उसकी जगह स्टार लगा दिया और गाना मेरे सामने। मेरे रश के कमर सर्च ऐसे तू कर जो रिजल्ट सामने, फिर आए मजा आ गया। आहा वाह 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 वाह, आगे चलते हैं। आप गूगल को यह भी कह सकते हो कि मुझे सिर्फ इस एक लौती साइट के अंदर से सर्च करके दिखा और कहीं से नहीं। आपको करियर के रिलेटेड न्यूज चाहिए और वो सिर्फ हिंदुस्तान टाइम्स से ही चाहिए। आपने कोई आर्टिकल पढ़ना है, आपको थोड़ा थोड़ा याद है और वो सिर्फ एनडीटीवी वाली साइट से ही चाहिए, तो क्या कर सकते हैं? आप गूगल को यह कह सकते हो कि मुझे सिर्फ इस साइट से ढूंढ के दिखाइयो और कहीं से ढूंढ के मत दिखाना। आपको लिखना है साइट कॉलन उस साइट का नाम, जैसे साइट कॉलन hindustantimes.com और करियर। अब देखो सारे रिजल्ट्स सिर्फ उस साइट से आप देख सकते हो, डेट वाइज लेटेस्ट न्यूज निकाल सकते हो। अब कई बार क्या होता है कि हमें कोई साइट बहुत पसंद आती है, हमें लगता है कि यार इस जैसी और साइट्स कौन सी हैं, तो बहुत इजी है। आपको क्या करना है, आपको लिखना है रिलेटेड और उस साइट का नाम, जैसे कि amazon.in। तो amazon जैसी और वेबसाइट्स जो भी होंगी, flipkart, snapdeel, ये सब आपके सामने। रिलेटेड का वर्ड यूज करके आपकी बहुत मेहनत बच सकती है, उस जैसी साइट से गूगल आपको झट से पहुंचा देगा, जिसका कोई नहीं उसका गूगल। अब इन 7 टिप्स के बाद एक आखिरी टिप आपको देता हूं। अगर आपके पास कभी बहुत ही टाइम है, मतलब हद ही वेले हो और मुस्कुराने का मन कर रहा है, तो गूगल पे जाके वो भी कर सकते हो। जैसे कि आप विजिट ऑफ ओजी सर्च करते हो तो आपके सामने ये जूते हैं, इनको दबाओ और देखो कैसे आपकी स्क्रीन हिल जाती है। ऐसे ही अब फ्रेंड्स के किसी करेक्टर को सर्च करना, कुछ ना कुछ आ जाएगा। जैसे कि चैंडलर सर्च करो तो और आखिरी पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज, हिमीश मदान यूट्यूब सर्च कर लेना, सब्सक्राइब का बटन आएगा उसको दबा देना, नोटिफिकेशन वाली बेल ऑन कर लेना, सो दैट ऐसी वीडियोस आपको मिलती रहे। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए। आई लव यू ऑल।